आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने का खेल तुरंत बंद करें। मंडी जोनल हॉस्पिटल एन के पंडित, मंडी से यादविंदर कुमार की रिपोर्ट। मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव और तेज तर्रार कांग्रेसी नेता एन के पंडित खूब बरसे मंडी जोनल हॉस्पिटल प्रशासन पर। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उन्होंने मंडी जिला की आवाज को उठाते हुए प्रदेश के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल सरकार श्री धनीराम शांडिल को पत्र लिखकर उनके दरबार में प्रमुखता से उठाया है। मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव एन के पंडित, जो सरकार को घेरने में कोई कसर न रखने वाले तेज तर्रार कांग्रेसी नेता एन के पंडित ने जोनल हॉस्पिटल मंडी पर आरोप जड़ते हुए कहा कि डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ पूरा होते हुए भी ये छोटे छोटे केस भी नेर चौक मेडिकल हॉस्पिटल या अन्य हॉस्पिटल को रेफर करते हैं, जिससे मंडी जिला की जनता खासी परेशान है। ये कहां तक न्याय संगत है? पंडित ने हिमाचल सरकार और मंडी सदर के विधायक श्री अनिल शर्मा से भी अपील की है कि इस समस्या का जल्दी हल करे, जिससे मंडी की जनता को इसका लाभ मिल सके। एन के पंडित, सचिव मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। दोस्तों, एन के पंडित, सचिव मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मरीजों को अन्य किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने का खेल तुरंत बंद करे मंडी जोनल हॉस्पिटल प्रशासन। दोस्तों, काफ़ी समय से यह बात सुर्खियों में आई है और कई मरीजों और उनके परिवार वालों ने मेरे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके इस समस्या को उठाने की अपील की है। तो मैं मंडी सदर की जनता की मांग पर इस समस्या को हिमाचल सरकार के समक्ष उठा रहा हूं। मैं माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल सरकार कर्नल धनीराम शांडिल जी से मंडी सदर की जनता के पक्ष में इस आवाज़ को जोर शोर से उठाऊंगा। और मैंने अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखकर भी समस्या को से अवगत करवाया है। और मैं अपील करूंगा मंडी सदर के विधायक श्री अनिल शर्मा जी से भी कि उनका भी दायित्व बनता है कि इस समस्या को तुरंत उठाएँ। मंडी जोनल हॉस्पिटल एक जिला का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इस पे कई मरीज निर्भर करते हैं। और यहाँ जो है मंडी जोनल हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के चलते छोटे छोटे केसेस भी आते हैं, उनको भी मेडिकल कॉलेज नेर चौक या अन्य किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस सरकारी हॉस्पिटल में ना ही कोई डॉक्टर्स की कमी है, ना ही कोई नर्सिस की कमी है, ना ही किसी प्रकार की कोई मशीनरी, लैब, अन्य सभी सुविधाओं से लैस उपलब्ध हॉस्पिटल है। लेकिन छोटे मोटे केसेस भी डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी को ना समझते हुए भी मेडिकल कॉलेज नेर चौक या अन्य किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। तो इस समस्या से शीघ्र ही निजात दिलाई जाए। मैंने आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर अवगत करवाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल सरकार इस पे शीघ्र ही संज्ञान लिए। और इसके साथ साथ ये समस्या बहुत ही काफ़ी दिनों से गंभीर समस्या है, इस पे जो है डॉक्टर्स को सख्त निर्देश दिए जाए कि मंडी प्रशासन से छोटे मोटे केसेस जो रेफर करते हैं, इस खेल को तुरंत बंद किया जाए। और इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से एक अपील और करूँगा कि जो आपने महिलाओं के खाते में कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना 1500 रुपये है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, निजात दिलाई जाए। मैंने आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर अवगत करवाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल सरकार इस पे शीघ्र ही संज्ञान लिए। और इसके साथ साथ ये समस्या बहुत ही काफ़ी दिनों से गंभीर समस्या है, इस पे जो है डॉक्टर्स को सख्त निर्देश दिए जाए कि मंडी प्रशासन से छोटे मोटे केसेस जो रेफर करते हैं, इस खेल को तुरंत बंद किया जाए। और इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से एक अपील और करूंगा कि जो आपने महिलाओं के खाते में कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना 1500 रुपये है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। तकरीबन 2,40,000 के आसपास महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे महिलाओं को लाभ मिल रहा है।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से अपील करूंगा कि इसका दायरा और बढ़ाया जाए। जो पात्र महिलाएं हिमाचल प्रदेश की है उनको इस योजना में अधिक से अधिक लिया जाए ताकि सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। प्रदेश की महिलाएं महंगाई से जूझ रही है और हिमाचल सरकार की इस गारंटी योजना धन लक्ष्मी योजना को जो है प्रदेश सरकार की तरफ टकटकी लगाए के बैठी है। और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं की गृहिणियों की जो समस्या है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जो भाजपा सरकार द्वारा, भाजपा सरकार ही महंगाई की असल जननी है। 2014 में भाजपा सरकार ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस टाइम 60 रुपए के लीटर आसपास पेट्रोल होता था, 390 रुपए के आसपास रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था, तो भाजपा को महंगाई दिखती थी। आज 1200 का सिलेंडर है, 100 से ऊपर पेट्रोल है, लेकिन भाजपा नेताओं को जो है महंगाई नहीं दिख रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री, एक अपील और करना चाहता हूँ कि आप रसोई गैस सिलेंडर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अगर कटौती होती है, कमी आती है, हिमाचल सरकार अपने दायरे में इससे कटौती करती है, तो जिससे जो है गृहिणियों को इस समस्या से जूझना पड़ता है उससे भी राहत मिल सके। और एक जनहित, पब्लिक के हित में बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री। माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर भी गंभीरता से विचार करें, इस योजना को 300 यूनिट जो बिजली फ्री है इसको हिमाचल प्रदेश में तुरंत लागू कर दिया जाए ताकि जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।